हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान को तालिबानाइजेशन से बचाने की जरूरत है। बीच चौक पर धरना देकर लोगों को तंग करना दुरुस्त नहीं। सियासत में हुदूद का ख्याल रखा जाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हर वक्त इलेक्शन के लिए बैठकर बात करना जरूरी है, बाद में कोई फायदा नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खबरदार कर दिया। शेख रशीद कहते हैं जिन्होंने जमहूरियत पर डाके डाले वही जमहूरियत के चैंपियन बन गए। 40-45 अफराद का टोला हर हुकूमत का हिस्सा होता है। मौजूदा सियासी निजाम अवाम के लिए फायदेमंद नहीं, आज की हुकूमतें कल की दहशतगर्द पैदा कर रही हैं। मुस्तफा कमाल का लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। नवाज शरीफ को कटहरे में लाए, अब आसिफ जरदारी की बारी है। इमरान खान ने साफ कह दिया, बोले सिंध में पीपल्स पार्टी की लूटमार नाकाबिले कबूल है। अवाम से मिलकर जरदारी टोले का खात्मा करेंगे, अगले हफ्ते कराची आने का ऐलान। वजीर आजम ने झंग में LNG पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। पावर प्लांट से 1263 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मनीगाला में इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनों का मुजाहरा, पार्टी का मुकामी सदर तब्दील करने का मुतालबा। MKM लंदन के रहनुमाओं का यादगार शोहदा पर आज हाजिरी का ऐलान। इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। आयशा मंजिल से लियाकत चौक जाने वाली सड़क 90 और जिना ग्राउंड जाने वाले रास्ते बंद। अवाम को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना।